कन्नौज जो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। यह जिला इत्र बनाने के व्यवसाय और इसके अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। कन्नौज जिला पहले फर्रुखाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था, परंतु कुछ समय के बाद 18 फरवरी सन 1997 को फर्रुखाबाद जिले से अलग करके इसे एक नए जिले का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, कन्नौज जिले की स्थिति की बात करें तो कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी हिस्से में पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है, जिसमें शामिल हरदोई जिला, फर्रुखाबाद जिला, मैनपुरी जिला, इटावा जिला, औरैया और कानपुर जिला है। पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा कन्नौज शहर राज्य की राजधानी यानी लखनऊ से 141 किलोमीटर वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली से 422 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2093 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले कन्नौज जिले की जनसंख्या 19,19,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की जनसंख्या 10,21,000 है तथा महिलाओं की जनसंख्या 8,97,000 है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से कन्नौज जिले में 83% हिंदू, 16.54% मुसलमान, 0.40% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। कन्नौज जिले की कुल साक्षरता दर 73% है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज जैसे कई प्रमुख शिक्षण संस्थान कन्नौज जिले में मौजूद हैं। दोस्तों, आवागमन के दृष्टिकोण से कन्नौज जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, कन्नौज जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन कन्नौज रेलवे स्टेशन है। स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म और 3 ट्रैक मौजूद हैं। इस स्टेशन का स्टेशन कोड KJN है। जयपुर एक्सप्रेस, कालंदी एक्सप्रेस, छपरा मथुरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसी प्रमुख रेलगाड़ियां इस स्टेशन से होकर गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश व राज्य के बड़े बड़े शहरों से जोड़ती हैं। सड़क मार्ग, इस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 91 गुजरती है, जो आगे चलकर मैनपुरी को कानपुर जिले से जोड़ती है। जिले का वाहन कोड UP76 है। इसके अलावा कन्नौज शहर में मौजूद बस अड्डा, जहां से देश व राज्य के बड़े बड़े शहरों को नियमित रूप से बसों को संचालित किया जाता है। हवाई मार्ग, दोस्तों वैसे तो कन्नौज जिले में कोई हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, परंतु कन्नौज जिले का सबसे करीबी हवाई अड्डा वह कानपुर का हवाई अड्डा है, जो कि कन्नौज शहर से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कन्नौज जिले में कुल 3 तहसीलें मौजूद हैं, जिसमें शामिल कन्नौज, तिरवा और छिबरामऊ हैं। जिले में 10 पुलिस स्टेशन, 8 ब्लॉक मौजूद हैं। दोस्तों, कन्नौज जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान, तंबाकू, मक्का और आलू हैं, जो कि उच्च स्तर पर उगाई जाती हैं। दोस्तों, कन्नौज जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो आइए दोस्तों इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में रूबरू करवाते हैं। लाभ बहोसी पक्षी अभयारण्य, यह अभयारण्य कन्नौज जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह अभयारण्य कन्नौज जिले के लाख बहोसी गांव के पास में स्थित है। अभयारण्य की स्थापना 1989 में हुई थी। यहां पर पक्षियों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। बालापीर मुगल किला कन्नौज जिले का प्राचीनतम किला है। यहां पर आपको एक ऊंचे मंडप पर 2 गुम्बद स्मारक देखने को मिलते हैं, और यह स्मारक लाल बालुआ पत्थर से बने हुए हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गौरी शंकर मंदिर, यह मंदिर कन्नौज जिले का प्रमुख दार्शनिक स्थल है, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। मंदिर के मुख्य द्वार पर शिव जी की प्रतिमा, इसके अलावा मंदिर के अंदर शिवलिंग के दर्शन करने को मिलते हैं। महाशिवरात्रि और हर सोमवार को यहां पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा कन्नौज जिले में कन्नौज का किला, मखदूम जहनिया मस्जिद, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, लोहिया पार्क जैसे कई प्रमुख पर्यटन स्थल दोस्तों जिले में मौजूद हैं। यदि दोस्तों आप कन्नौज जिले को आ रहे हैं, तो इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर एक बार जरूर जाइएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।